हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू बीटी ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। और सैटरडे है और राजा बाज़ार बकरा मंडी आया हुआ हूँ मैं, पिलर नंबर वन के सामने। पिलर नंबर वन वहाँ पे है, उसके अपोजिट ये बेली रोड है और यूनिक मैरिज गार्डन है वहाँ पर उसके बगल में। गूगल मैप पे सर्च कीजिएगा तो लोकेशन बता देगा आपको। और ट्यूसडे और सैटरडे को आना है, यहाँ बड़ी मंडी लगती है ट्यूसडे को और सैटरडे को थोड़ी छोटी लगती है। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको यहाँ के जानवर दिखाते हैं आप कि क्या क्या क्वालिटी के जानवर हैं, क्या क्या रेट में आए हैं। ये भूरी बकरी 4000 की है, ये काली वाली का बताइए, ये तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। कितने की काली वाली? 3200। तो 4000-3200 यही सब रेंज की बकरी रहती है। ये चचा की है, भूखे प्यासे इसकी जो बकरी है वो 3500 बोलिन है इस बकरी का। तो कट्टू की बकरी भी रहती है और अच्छी बकरी भी रहती है, आप लोग को चुन के लेना है। ये थोड़ी मोटी बकरी है और इसका डिमांड कर रहे हैं 7000, थोड़ा कम हो जाएगा। पहला है, पहला बकरी है ये बकरी जो है, दूध करती है। और पहला नहीं ना है, पहला नहीं जी, 3400 गाभिन है क्या? हाँ जी गाभिन है, और छोटे कद की है, ब्लैक बंगाल। तो बाड़ी ली, ये 4500 की बकरी है, थोड़ा उससे ज़्यादा ज़्यादा हाइट है। ये भी ये गाभिन है, गाभिन है, 2 महीना की, 2 महीने की गाभिन है। 4500 बोला ना, कम होगा थोड़ा, हो जाएगा 150, 150 कम होगा बस। ये तीन जो सामने बस्सी देख रहे हैं आप, और इनका जो डिमांड किया गया था वो 4600 फाइनल। इनके ओनर हैं और वो जो हैं खरीद रहे थे कटिंग के लिए 4600। 6-7 किलो का खस्सी होगा, 8 किलो तक जाएगा। मीट की बात कर रहा हूँ, सब अदंत है और इन भैया का है। आप हमेशा जानवर लेके आते हैं भैया? और कब कब लेके आते हैं? हमेशा लाते हैं, मतलब ट्यूसडे और सैटरडे को, हर हमेशा ड्यूटी पे आता है। यहीं पे रहते हैं जापा आरा जी लगा पर? अरे ये जगह यहीं पे रहता है बाड़ा आपका? नहीं कोई बात ना है, अच्छा कभी उधर रहता कभी उधर। चेहरा पहचान लीजिए आप लोग, और भैया का जानवर है। थोड़ा अगर कोई मेरा चैनल देख कर गया थोड़ा कम कर दीजिएगा उसके लिए। आप बच्चा उच्चा लाते हैं पोसने के लिए? नहीं, वो सिर्फ कटिंग का माल लेके आते हैं, तो ज़्यादा इनका ये काम जो है वो कटिंग में है। ये जो जानवर दिख रहा सामने ये इन भैया का है, और दोनों का जो डिमांड है वो 14,500। अदंत है ना? अदंत है, ये जोड़ा है अदंत, देख लिया। कितने का? अदंत है दोनों। कितने का? 11,000। ये 11,000 का जोड़ा है। देखिए फल दे रहा है, देखिए जानवर देखिए आप लोग। तो ब्लैक बंगाल में जानवर है 4500-5000 तक में आराम से मिल जाता है बच्चा। ये एक खस्सी है, ये चचा लीन है 11,000 का। लावाना रुपया लावाना, ये बला लावाना, वही जेले लावा, वही जेले लावा, दिमाग ने खराब करा ना अभी। ये जो जानवर है ये इन भैया का है, और 13,000 इसकी डिमांड है। तो सोचिए कि 13,000 डिमांड है, थोड़ा और कम हो जाएगा। कम से कम भी हमको लगता है कि 18-20 किलो से कम नहीं है जानवर ये, आराम से। बहुत अच्छा जानवर है, 2 दांत पे है, खस्सी है। ऐसे जानवर अवेलेबल रहते हैं इस मंडी में। इसका बता दिए भैया, 12,000। दाना का रेट इतना बड़ा है लेकिन जानवर का रेट नहीं बढ़ा है।
भादो है, इसलिए अभी जब तक गंगा नहान नहीं खत्म होगा ना, जब तक व्यापारी का कमाई नहीं होगा। अच्छा, गंगा नहान, गंगा नहान, गंगा गंगा स्नान सब पर्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद मीटर बहेगा। तो अभी जो नीचे रहेगा, हाँ, अभी मीटर जो है नीचे है, बच्चा उच्चा सब सस्ता है, 500 रुपये 600 रुपये मीट बिक रहा है। अच्छा, हर चीज़ क्वालिटी चीज़ महंगा हो गया, आटा चावल तेल सब महंगा हो गया। अरे मेन तो अनाज इन लोगों को जो खिलाया जाता है वो भी महंगा हो गया, 40 रुपये किलो गेहूँ हो गया। हाँ, और मक्का भी महंगा हो गया, सब चीज़ महंगा हो गया। लेकिन जानवर का रेट अभी कम है बहुत, मीट सस्ता बिक रहा है, मीट नहीं बिक रहा है, आदमी रखे चार चार दिन पाँच पाँच दिन मीट फ्री में दुकानदार भी रख रहा है, कह रहा है वो भी रो रहा है, हम भी लोग व्यापारी रो रहा है, दुकानदारों भी रो रहा है, बहुत बहुत देख लिए दुकानदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, आपने इतनी अच्छी बात। व्यापारी का शरीर आधा खून घट घट गया है, आधा का दुकानदार का जो है दम चेहरा बुलंद हो रहा है, देख लीजिए ऐसे है, देख लीजिए तो दोहरी हो रहे हैं, लग रहा है आधा व्यापारी हो गया है भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, आपने इतना अच्छी बात शेयर की हमारे साथ। दुकानदार सब मोटा मोटा के साढ़ हो गया है। बकरी जो है इन भैया की है, ये कितने की है? बहुत उम्दा बकरी है, उम्दा तो बकरी है, अच्छी लग रही है, दिखाते हैं आपको अच्छे से। कितना की है, डिमांड कितना है इसका? डिमांड भी दाम लग चुका है थोड़ा सा, बात है फिर भी कितना? 9.5-9.5 हज़ार। तो ऐसी बकरी जो अच्छी बकरी होती है, सिरोही मिक्स ब्रीड की बकरी की है, बकरी है तो 9,000 तक में आ जाएगी। और गाभिन है क्या? ये गाभिन है, लगी है। अच्छा लगी है, मतलब 1-2 महीने का है। अच्छा, 1-2 महीने का है। आप लोग देख सकते हैं गाभिन है, बहुत अच्छी बकरी है। कितने दांत पे है? दांत पे कितने? 4 दांत भाई, 4 दांत बस, समझ लीजिए कि 4 दांत है। तो अभी तो लंबा पहली ब्याह भी नहीं किया है। अच्छा, अभी पहली ब्याह ब्याही की। बहुत अच्छी बकरी लाए आप, तो ऐसी बकरी और आप लाते हैं? मिल गया, ले लिया है। अच्छा, मिलता नहीं है, कोई बेचता नहीं है ना इससे। अच्छा, जिसका पैसा का आवश्यकता रहता है वही बेचता है, कोई बकरी बेचता है कभी? तो जो अब काटे वाला दाम लग रहा है, नहीं दे रहे हैं। अच्छा, काटे लोग नहीं देंगे, घर लेकर चल जाएंगे। सही है, तो इन लोग के सीने में भी दिल होता है, तो अच्छी बकरी होती है वो काटने को नहीं देते हैं। और अच्छी बकरी मिल जाती है इस मंडी में, आप लोग आइए और आपको देखना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा।